सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर फोर्थ स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अपने पिछली जो भी वीडियोस हैं उनमें जो भी आपको क्वेरीज होगी वो आप क्वेरी मुझसे पूछना, मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट हम चैप्टर फोर्थ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फोर्थ है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ। ओके, नेक्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। देखिए, फर्स्ट लॉ आपको पता होगा, आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से भी, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ सुन के लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब फर्स्ट लॉ की एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन ध्यान रखना। वैसे तो मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है। मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं मान लेते हैं, या कोई हैवी चीज़ उठा रहे हैं, तो उस काम को करने के बाद या करते समय हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी, हमें पसीना आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी से क्या रिलीज़ हो रहा है बाहर? हीट। अब जो ये हीट है, ये हीट क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। बट क्या इसका 100% आंसर यही होगा कि हम वर्क कर रहे हैं इसीलिए हीट निकल रही है? क्या वो जो वर्क है वही हमारा हीट को निकालने में मदद कर रहा है? सर, इसका असली आंसर है नहीं। वर्क किया हमने, हमें वर्क से हीट मिली, बट उसके अलावा एक चीज़ और होती है जो कि बॉडी में इंटरनली प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ध्यान रखना, जो आपका हीट है क्यू है वो डब्ल्यू प्लस में यू के इक्वल होती है। हमने लास्ट लेक्चर में भी कर लिया था, बट जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है कि क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस यू। आपको याद होगा हमने बोला था डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, वेयर डब्ल्यू इज द वर्क, क्यू इज द हीट एंड यू इज द इंटरनल एनर्जी। देखिए, इंटरनल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे बॉडी मॉलिक्यूल्स से बनके बनी हुई है, तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल के अंदर अपने आप से पहले से एक एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब हम जब काम करते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट मतलब इधर उधर घूमते हैं। जब वो इधर उधर भागेंगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? अंदरूनी जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब जो वो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर है और मॉलिक्यूल लगातार घूम रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में। तो इसका मतलब हमारे जो इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल की भी हीट बाहर रिलीज हो रही है, प्लस में हम वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से भी हीट ले। तो हीट बाहर निकलने की दो वजह होती है, डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ओके, अब ये फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस मतलब कहाँ कहाँ हमने यूज़ किया? वैसे तो हमने जो पिछला चैप्टर किया था हर एक चैप्टर में ये फर्स्ट लॉ को यूज़ किया था, सेम वही एप्लीकेशन है सारे के सारे। एप्लीकेशन कौन कौन सी एप्लीकेशन है? फर्स्ट याद होगा आपको आइसो कोरिक। आइसोकोरिक क्या था? द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट। तो याद होगा यहाँ से डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू अगर हम लिखेंगे तो हमें पता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में आपका वर्क ज़ीरो हो जाता था, तो यहाँ से डी क्यू इक्वल्स टू डी यू इक्वल आता था। तो ये आपको जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वो सेम वही लेक्चर का ही है, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ नोट्स में लिखा देता हूँ कहाँ कहाँ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में सेम ये रिलेशन लिखवाई थी डी क्यू डेल्टा क्यू।
नेक्स्ट कांस्टेंट प्रेशर, जहां आपका कांस्टेंट प्रेशर में जो पी डेल्टा वी और डेल्टा यू है उसको हम क्या लिख लेते थे, हीट लिख लेते थे, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा एच, सेम वही जो पिछला चैप्टर हमने किया था। नेक्स्ट आपका कांस्टेंट टेम्परेचर जिसको हम क्या बोलते थे, आइसो थर्मल, तो आइसो थर्मल में क्या रिलेशन होगी, आइसो थर्मल की रिलेशन है डेल्टा क्यू प्लस टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और जो यहाँ रिलेशन हमने लिख रखी है ये रिलेशन होगी, क्योंकि टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन जीरो हो जाएगा तो इंटरनर्जी जीरो हो जाएगी, और इंटरनर्जी जीरो तो वर्क और क्यू दोनों सेम होंगे। लास्ट एक एडियाबैटिक के लिए लिखना आपको, और जो रिलेशन आपने पीछे लिखी हुई है एडियाबैटिक के लिए सेम वही रिलेशन है, तो ध्यान रखना आपको पिछले चैप्टर में जो भी लिखवाया था हमने किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, सेम वही इसकी एप्लीकेशन है। तो मैं यहाँ वो चीज़ें फिर से नहीं बोलूँगा, आपको वही अपना पिछला जो लेक्चर है उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से इस चैप्टर में उतारनी है, ओके। तो फर्स्ट हमने अब तक देखा कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हमने अप्लाई किया, इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया इसको आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, सेम ही जैसा आपका लास्ट लेक्चर में हमने किया था। बट एक चीज़ और, ये जो भी हमने प्रोसेस पढ़े ना, ये सारे के सारे प्रोसेस है नॉन फ्लो प्रोसेस। जितने भी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे कैसे है, नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो मतलब जिसके अंदर फ्लो ना हो, और ऐसे कौन सी चीज़ जिसके अंदर फ्लो नहीं होता, किसका फ्लो, मास का, वो तब होता है जब बॉडी क्या हो, क्लोज हो, मतलब सिस्टम क्लोज सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर में क्या था, क्लोज सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है, तो क्लोज सिस्टम होगा तभी आपका अंदर से मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ओके। तो वो जो चार प्रोसेस किए, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, ये चारों के चारों प्रोसेस कैसे प्रोसेस है, नॉन फ्लो प्रोसेस। अब नॉन फ्लो प्रोसेस में तो हमने देख लिया थर्मोडायनेमिक्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ को। अगला है, अगर आपका नॉन कोरिक प्रोसेस, वो नॉन फ्लो प्रोसेस होके अगर फ्लो प्रोसेस होता, फ्लो प्रोसेस मीन्स जिसके अंदर से मास का फ्लो हो सकता है। अब ऐसा एग्जांपल देखो, मास का फ्लो कौन से केसेस में होता है, मास का फ्लो होता है ओपन सिस्टम में। ध्यान रखना, मास का फ्लो किस सिस्टम में होता है, ओपन सिस्टम में। अब ओपन सिस्टम का कोई एग्जांपल अगर मैं दूं, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है आपका पंप का। पंप यहाँ से पानी लेता है, यहाँ से आएगा, पंप के थ्रू पानी का प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ से पंप से पानी निकल जाएगा। तो ये कैसा सिस्टम, देखो ना, यहाँ से पानी ले रहा है तो ओपन होना चाहिए, यहाँ से पानी जा रहा है तो ओपन होना चाहिए, तो दोनों क्या है, ओपन सिस्टम। तो ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस है ओपन सिस्टम प्रोसेस, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आपके होते हैं, एग्जाम्पल कंप्रेसर का लेते हैं, एक और एग्जाम्पल आपका कंप्रेसर का है। कंप्रेसर में होता क्या है, यहाँ से इनपुट आया एयर और हवा आई, अंदर आके कंप्रेस हुई और यहाँ से कंप्रेस्ड एयर निकल गई, ठीक है। ये फिगर्स मैं दोनों आपको आगे बताऊंगा, बस आप ये समझ लो कि कंप्रेसर और ये जो टरबाइन है या पंप है, ये सारे के सारे कैसे सिस्टम होते हैं, ये सारे के सारे ओपन सिस्टम होते हैं, क्योंकि ओपन इसलिए, अगर क्लोज होगा तो पानी आएगा कहाँ से, पानी जाएगा कहाँ से, तो कंप्रेशन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, वो कहाँ से आएगी, इनपुट कहाँ से आएगा और आउटपुट कहाँ से निकलेगा। तो ये सारे सिस्टम आपके कैसे होते हैं, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में भी हम थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करते हैं, कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। क्लोज में तो हमने फॉर्मूले देख लिया, अब ओपन सिस्टम में देखते हैं। तो ओपन सिस्टम में ना, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन जो यूज़ होगी, उस इक्वेशन का नाम है स्टेडी फ्लो इक्वेशन। तो स्टेडी फ्लो इक्वेशन लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ, जो मैं डेफिनेशन डिक्टेट कर रहा हूँ वो लिखना। अकॉर्डिंग टू स्टेडी फ्लो इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू स्टेडी फ्लो इक्वेशन,
एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल्स टू एनर्जी एट आउटलेट। अब देखो कैसा सिस्टम है हमारा, ओपन सिस्टम। अगर ओपन सिस्टम है तो इनलेट मतलब जहाँ से इनपुट होगा वो भी होगा और आउटपुट होगा वो भी होगा दोनों। तो उनका मतलब सिर्फ यही है, मान लेती है ओपन सिस्टम है, सिस्टम है कोई भी, अगर मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ, मैंने एनर्जी दी 50 किलो जूल की, तो यहाँ से अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो उसका भी कितना होगा, वो भी 50 किलो जूल ही होगा। ठीक है, ये कौन सा, इसको बोलते हैं हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब देखा जाए तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फर्स्ट लॉ के थे, दूसरे लॉ में फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था, एनर्जी कैन नेविगेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो ना, 50 जूल की एनर्जी दी और 50 की निकली, ना क्रिएट हुई ना बढ़ गई और ना घटी है, तो ना ही क्रिएट हुई ना ही डिस्ट्रॉय हुई, इसलिए आपका ये कौन सा एप्लीकेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।